सीता 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 नहीं सीता की सोच लेंगे अयोध्या है सीता को ना जाने कितने इतना बुरा बुरा सीता इतना बुरा बुरा सीता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली आरोपी महिला हीर खान के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस तरह के मामलों में आईटी एक्ट के तहत ही मुकदमे चलाए जाते हैं। खासकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी या भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपियों पर इसी कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है आईटी एक्ट और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है। पुलिस ने उस महिला के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 153 ए उन आरोपियों के खिलाफ लगाई जाती है जो धर्म, नस्ल, भाषा, निवास स्थान या फिर जन्म स्थान के आधार पर अलग अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस धारा के तहत 3 साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 और 67 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करता है या फिर शेयर करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई टिकटॉक, शेयर चैट, फेसबुक, ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके अलग अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईटी की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जाती है। आईटी एक्ट की धारा 67 में कहा गया है कि अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर ऐसा करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर ऐसा अपराध फिर दोहराया जाता है तो मामले के दोषी को 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बताते चले कि प्रयागराज में रहने वाली महिला हीर खान ब्लैक डेफ 5 अगस्त नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है। उसने 23 अगस्त को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो के चलते उस महिला के खिलाफ पुलिस को कई शिकायतें मिली थी। मंगलवार को पुलिस ने उसे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया था। प्रवेश सागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।